तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर ब्लॉग एंड अनदर कार। आज देख रहे हैं विटारा ब्रेजा सीएनजी वेरिएंट आ चुका है फाइनली मार्केट में, और ये डिलीवर होने के लिए भी गाड़ी रेडी हो चुकी है। बेस वेरिएंट है ये LXi, और गाड़ी देख लो लग कैसी है। फ्रंट वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है इसमें, कोई ऐसा आपको चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। डायमेंशन वगैरह भी सब कुछ सेम है। जो सीएनजी कारें रहती हैं इनमें ज़्यादातर काम होता है, तो यहाँ पर आपका सस्पेंशन थोड़ा हैवी हो जाता है, क्योंकि जहाँ 5 सीटर कार होती है ना 6 सीटर बन जाती है, 6-7 सीटर है तो 8 सीटर बन जाती है, क्योंकि एक सीएनजी का वेट बढ़ जाता है। एक आदमी ये सोच लो परमानेंट आपका गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, तो 5 सीटर नहीं रहती, फिर 6 सीटर बन जाती है। भाई गाड़ी में चेंजेस कुछ नहीं है, वही आपको प्रोजेक्टर मिलेंगे, हाइलोजन बेस, हेडलैम्प मिलेंगे, इंडिकेटर, नीचे फॉग लैम्प एसेसरीज का पार्ट है, कुछ ऐसी ग्रिल मिल जाती है देखने के लिए, ग्लोसी ग्रे में सुजुकी का लोगो, गार्निश मिल जाएगा देखने के लिए। जैसा मैंने बताया लोअर पार्ट में इसका मैट ब्लैक में मिलेगा, और स्किड प्लेट भी, मतलब पूरा ये नीचे का जो पार्ट है वो ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा। स्किड प्लेट वगैरह कुछ भी अलग से ऐसी है नहीं, लोअर पार्ट पूरा बम्पर का ब्लैक ही मिलेगा। बाकी फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ आपको ग्लास पे सीएनजी का स्टिकर मिल जाएगा, ये फ़र्क मिल जाता है। वहीं साइड में आएंगे तो यहाँ भी आपको कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अलॉय व्हील्स डल गए इसमें, स्टील रिम्स मिलते हैं हमें LXi वेरिएंट में, यहाँ अलॉय व्हील डलवा लिए भाई ने। टायर साइज जो आपको वो ये 215/60/16 रहेगा। फ्रंट डिस्क है, रेयर ड्रम्स रहते हैं, क्लैडिंग का पार्ट मिल जाता है यहाँ देखने के लिए आपको फेंडर के ऊपर दोनों साइड, यहाँ भी और इस साइड भी, यहाँ भी आपको फेंडर पे क्लैडिंग का पार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। डोर्स पे नीचे भी आपको बीडिंग, जो लोअर पार्ट है ये भी एसेसरीज का पार्ट है, जो गार्निश बीडिंग देख रहे हैं आप डोर्स पे, ये भी आपका एसेसरीज का पार्ट है, और नीचे भी आपको क्लैडिंग का पार्ट देखने के लिए मिल जाता है डोर्स पे। अब आ जाते हैं गाड़ी के, तो ORBM हमें वही सेम ऑटो एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, विद इंडिकेटर ये रिएक्टेबल नहीं मिलते, बस एडजस्टेबल मिल जाते हैं। ORBM ऑटो एडजस्टेबल मिलेंगे, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे, मैं रिएक्टेबल बोल गया। ये आपको डोर वाइजर, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, गार्निश वगैरह जो आप देख रहे हैं नीचे पूरा ही बीडिंग वगैरह एसेसरीज का पार्ट है। जो डोर हैंडल था सेम आपको बॉडी कलर देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ भी गार्निश बीडिंग लग गई है, यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ स्टार्ट होके क्वार्टर पैनल ग्लास तक यहाँ एंड तक आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये ना जो आपको गाड़ी टाइम से पहले लेनी है तो ये कंपलसरी है शोरूम की तरफ से भाई, 1.5 लाख की एसेसरीज आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। जैसा बता मैंने रेयर वही सेम ड्रम ब्रेक्स हैं, वहीं रेयर लुक पे आ जाएंगे तो प्लेन विंडशील्ड मिलेगा, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो, ब्रेजा, वही आपको LED बेस्ड टेल लैंप्स मिलेंगे, इंडिकेटर, बैक लाइट, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं यहाँ पे। एसेसरीज में कैमरा भी लगा दिया गया, ये एसेसरीज का पार्ट है जो आप कैमरा देख रहे हैं। बम्पर भी वैसे हमको यहाँ मिलता है, अगर आपका कंपनी फिटेड होगा एसेसरीज में रहते तो यहाँ मिलेगा। अगर इसको बूट गेट खोल कर दिखा देता हूँ अब आपको, तो यहाँ जैसे इसका बूट गेट ओपन करेंगे तो ये रहा भाई आपका CNG सिलेंडर ब्रेजा के अंदर। इसमें एक्चुअली ये भी कवर करा हुआ है पूरा, क्योंकि ये व्हील्स वगैरह रखे हुए हैं इसके अंदर, अलॉयज वगैरह डाले हैं, तो ये पूरा ही कवर करा हुआ है इसे। बाकी पार्सल ट्रे वगैरह एसेसरीज में मिल जाएगी आपको, अलग कंपनी से इसमें पार्सल ट्रे नहीं आती। स्पेयर व्हील आपको इसी के नीचे मिल जाएगा, बट ईजिली आप उसे निकाल सकते हैं। ये पूरा चेंज हुआ है डैशबोर्ड वगैरह, मैं आगे आपको दिखाता हूँ जो जो इसमें अपडेशन हुई है, काफ़ी एसेसरीज डलवाई है भाई ने। बट यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा आपका CNG सिलेंडर, और अब इसकी माइलेज भी एक्सटेंड हो चुकी है। पेट्रोल में ही आपको पता है 20-21 की माइलेज दे देती थी, अब आपको इसकी माइलेज 25 तक देखने के लिए मिलेगी ब्रेजा CNG की। और आपको ना तो ड्राइवर साइड ना को ड्राइवर साइड किसी साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलते देखने के लिए। जैसे ही डोर ओपन करेंगे इसका तो यहाँ वही पूरा ब्लैक में आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा। ये जो वुडन ट्रीटमेंट देख रहे हैं ये स्टाइलिंग किट का पार्ट है, जो एसेसरीज ली गई हैं कंपनी की तरफ से, शोरूम की तरफ से, ये उसका पार्ट है। यहाँ पे ट्विटर, डोर ओपनर, ये लॉक अनलॉक का बटन, ORBM एडजस्ट करने के लिए 4 पावर विंडो मिलेंगे, ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, या आपका चाइल्ड लॉक, डोर एक्सेस हैंडल, ड्राइवर टी मामला स्टार्ट टच में मिलेगा, नीचे वाटर बॉटल, स्पेस, स्पीकर, ये भी एसेसरीज का पार्ट है स्पीकर्स भी। इसमें कुछ इस तरह से सीट्स लगी हैं इसमें सेमी फैब्रिक्स है, जो आपका फेक लेदर रहता है रैक्सिन बोलते हैं जिसे, तो वो है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ सीट्स हमें मिल जाती हैं इसके अंदर, तो ये भी एसेसरीज का पार्ट है। नीचे आपको लाइट्स लगाई गई हैं इसमें लेग स्पेस में। ऊपर आएंगे यहाँ पे CNG और आपका फ्यू उसके लिए पेट्रोल स्विच करने के लिए बटन, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ये आपका फॉग लैंप्स के लिए अलग से बटन लगाया है, क्योंकि ये भी एसेसरीज का पार्ट है। ये आपका
हेडलाइट हाइट एडजस्ट के लिए। यहाँ पे स्कफ प्लेट जहाँ ब्रेजा लिखा देख रहे हैं आप, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, काफी एसेसरीज लगाए गए। ये जो ये एसी वेंट के सराउंडिंग आप वुडन ट्रीटमेंट देख रहे हैं, ये भी आपका एसेसरीज का पार्ट है। सराउंडिंग यहाँ सिल्वर भी मिलेगा। बाकी ये पार्ट मैंने आपको दिखाया हट चुका है, वो इसमें बूट स्पेस में रखा हुआ है, वहाँ ये वुडन ट्रीटमेंट आ चुका है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो कुछ इस तरह की मिल जाती है सीएनजी वेरिएंट में, हमें जो एलएक्सआई में मिलती है वही की मिलेगी। विद सेंटर लॉकिंग, दोनों कीज में आपको सेंटर लॉकिंग के बटन देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे स्टेयरिंग से, वही सेम स्टेयरिंग मिलेगा फ्लैट बॉटम, बट ये भी रैप हुआ हुआ है जैसा मैंने बताया। इसमें एसेसरीज डली है तो उसी का पार्ट है, ये भी सुजुकी का लोगो। दो एयरबैग मिलेंगे इसमें, ड्राइवर और को ड्राइवर। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल, यहाँ वाइपर कंट्रोल, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ मिल जाएगी आपको, स्टेयरिंग टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। और यहाँ सुजुकी के लोगों के सराउंडिंग भी आपको मैट गार्निश की गोल सर्कल देखने के लिए मिलेगा। कुछ इस तरह का मीटर मिल जाएगा, वही सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें कीलेस एंट्री तो होती नहीं, यहाँ पे चाबी की जगह। कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, मीटर इसका एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ऑन होगा ये स्पीड मीटर एनालॉग में, आरपीएम एनालॉग में। बीच में एमआईडी मिल जाएगी, राइट में आपका सीएनजी गेज, लेफ्ट में जो पेट्रोल गेज है वो है। किलोमीटर्स वगैरह भी आपको देखेंगे, सीएनजी और पेट्रोल लिखा भी आ रहा है देखने के लिए कि यहाँ सीएनजी गेज है, ये पेट्रोल गेज है, कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी तरह का। तो मीटर में भी कोई चेंजेस नहीं है, बस इतना चेंजेस हो गया, पहले हमें पेट्रोल का मिलता था या इंजन टेम्परेचर मिलता था, अब यहाँ सीएनजी आ गया और यहाँ पेट्रोल का आ गया, ठीक है। बाकी आप मीटर इसका देख सकते हैं किस तरह से लाइटिंग वगैरह हो रही है। यहाँ इंजन नोटिफिकेशन आ रही है इस जगह पे, आपका सीट बेल्ट वगैरह की दिख रही है स्पीड मीटर में। यहाँ पे सीट बेल्ट वगैरह, यहाँ आपका बैटरी वगैरह और इग्निशन ऑन होने की सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ऊपर आपका हैंड ब्रेक वगैरह की। तो कुछ इस तरह का मीटर मिल जाता है हमें इसमें देखने के लिए। यहाँ से आप अपना ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हैं, सेट रीसेट ट्रिप का आपको यहाँ मिल जाएगा ऑप्शन। और बाकी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे आपको एवरेज वगैरह रेंज वगैरह अभी तो कुछ भी शो नहीं हो रही। और इस तरफ से इसे क्लिक करेंगे तो 20 किलोमीटर गाड़ी चली होगी, जो भी इनका आई होगी, इनका जो स्टॉक यार्ड वगैरह होता है वहाँ से आई होगी। तो ये आपका पूरा मीटर है, कोई चेंज नहीं, बस ये आ गया, यहाँ पर सीएनजी आ गया और यहाँ पेट्रोल इंजन टेम्परेचर गेज हट गया। बाकी टाइम वगैरह किलोमीटर्स वगैरह वो आपको देखने के लिए मिल ही रहे हैं। मैं कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा, ये सोनी का म्यूजिक सिस्टम इसमें डाला गया, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ हमें कुछ नहीं मिलता, प्लेन मिलता। कुछ इस तरह का इन्फोटेन सिस्टम मिल जाता है। इसमें फीचर्स बता दूँ आपको एक बार, फीचर्स इसमें फ़ोन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी हमें, USB की मिल जाएगी, फ़ोन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, USB वगैरह ऑक्स वगैरह से फ़ोन कनेक्ट करके गाने वगैरह चला सकते हैं, ये सारे फीचर मिल जाएंगे। फ़ोन कनेक्ट करके हम बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट है, माइक दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह का तकरीबन 7 इंच का सोनी का म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर डाला गया है। बट ये जो आप देख रहे हैं वुडन ट्रीटमेंट, ये सारा ही एसोसिएट्स का पार्ट है। देखो गाड़ी कैसे भरी पड़ी है, पार्सल ट्रे वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है गाड़ी के अंदर। यहाँ ये इसके रिम्स रखे हुए हैं क्योंकि इसमें अलॉयज वगैरह लगे हैं, काफ़ी एसोसरीज लगी है। तो ये पूरा वुडन में लगवा लिया जिन्होंने गाड़ी परचेज की है, स्टाइलिंग किट भी बोल सकते हैं। ये आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है ZXi प्लस में, ऊपर सिल्वर, ये वुडन, दो AC वेंट, आप हजार लाइट, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। कुछ इस तरह से गियर लीवर मिलेगा 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिल जाएगा, ये भी टॉप वेरिएंट में मिलता है आपको, स्पेस मिल जाएगा इसमें, ग्लोव बॉक्स, भाई इसका कवर है, खोल के नहीं दिखा सकता आपको। बाकी गाड़ी का ड्राइवर फ्रंट आप देख सकते हैं, और पैसेंजर कुछ इसमें ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट मिल जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको 2 AC वेंट मिल जाएंगे देखने के लिए। यहाँ पे इसे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाएंगे 2, और नीचे आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, अगर आप चार्जिंग के लिए सॉकेट लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। बाकी पीछे इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह तो हमें नहीं मिलते, पूरी गाड़ी पैक है, मैं खोल के दिखा नहीं सकता, फिर भी कोशिश करता हूँ एक बार। बाकी ड्राइवर फ्रंट आप देख चुके, यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट की गई है जो इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा है सोनी का, यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट की गई है। फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ पैसेंजर सीट खोल के। इस साइड सनवाइजर आपको प्लेन मिलेगा, कोई आपको वेंटिलेटर वगैरह नहीं मिलेगा, ड्राइवर साइड टिकट होल्डर मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ भाई पूरी गाड़ी पैक है, देख सकते हो आप, पूरी गाड़ी भरी पड़ी है, पार्सल ट्रे वगैरह रखी हुई है।
दोबारा कोई ढंग से वीडियो बनाएंगे। बाकी फिलहाल आपको सीएनजी गाड़ी दिखानी थी ब्रेजा, तो इसलिए ये कवर कर ली। पानी भरा यार, बोनट खोल के दिखा नहीं सकता है, पानी भरा हुआ। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशंस मैं इसकी डिस्प्ले पे डाल दूंगा, जो भी इंजन स्पेसिफिकेशन रहने वाली हैं। बाकी आप बताना सीएनजी में आपको ब्रेजा कैसी लगी, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।